वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन साईं बाबा बनी बाबा बगरे जनिर 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 सा दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन दिव्य वचन और इस वक्त पवित्र आत्मा आपके हृदय मन आत्मा को खोले, विचारों को खोले, जिससे कि आप प्रभु का कलाम ग्रहण करें, उसका वचन ग्रहण करें जिसमें शक्ति है, उसका वचन जिसमें आग है जो भस्म कर देती है, जो दुधारी तलवार है, जो आत्मा का मात्मा की तलवार है, ईश्वर का वचन जो अपना उद्देश्य पूरा किए बिना नहीं लौटती, आज वो आपके जीवन में अपना कार्य करके लौटेगी। प्यारे भाई, प्यारी बहन, हम हर तरफ इस दुनिया में मायूसी का मंजर देख रहे हैं। इंसान बहुत तकलीफों से, कष्टों से गुजर रहा है। उसके बल में भय है, डर है, समाप्त हो जाने का, विनाश हो जाने का उसके मन में भय है। भविष्य का कोई पता नहीं, कल क्या करेगा कुछ पता नहीं। इसलिए प्रभु कहता है, चिंता ना करो। अय्यूब के ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 7 में प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल हो गया, तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल होगा कि तुम्हारी पिछली दशा तुम्हें साधारण लगेगी। बोलिए आमेन। आमेन। दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को दोहराइए। जो निराश हैं, जो चिंता में हैं, जिन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, ये वचन आपके लिए है। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 7 प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल होगा, इतना उज्जवल होगा कि तुम्हारी पिछली दशा, कि तुम्हारी पिछली दशा तुम्हें साधारण लगेगी, तुम्हें साधारण लगेगी, तुम्हारी पिछली दशा, तुम्हारी पिछली दशा तुम्हें साधारण लगेगी, तुम्हें साधारण लगेगी। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु याद दिलाता है कि तुम अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ। यदि आप चाहते हो कि आपका जीवन बदले, यदि आप चाहते हो कि आपको अनुग्रह मिले, यदि आप चाहते हो कि आप प्रभु की हजूरी में रहें, और यदि आप उसके रास्तों पर चलना चाहते हो, शिक्षा में बने रहना चाहते हो, तो कहता है कि तुम मेरे पास आओ और मुझ में विश्वास करो। भाग्य पर और किस्मत पर भरोसा मत करो, परंतु भाग्य के विधाता पर भरोसा करो, जो तुम्हारे जीवन को जानता है, जो तुम्हारे हाथों की रेखाओं को जानता है, जो तुम्हारे लिए योजनाएं बनाता है, जो तुम्हारे रास्तों को प्रशस्त करता है। कहता है, उस पर विश्वास करो और तब तुम्हारी जो परिस्थिति है, जो तुम्हारी पिछली दशा है, वो तुम्हें बहुत साधारण लगेगी। हम में से हर एक व्यक्ति कष्टों से गुजरता है, हम में से बहुत सारे लोग परेशानियों से गुजरे हैं, हम में से बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत बड़े बड़े तूफान उठे हैं, हम में से बहुत सारे लोग किसी ना किसी बंधन में पड़े हुए हैं, चाहे वो गरीबी का हो, या आर्थिक तंगी का हो, तंत्र मंत्र का हो, जादू टोने का हो, या किसी प्रकार का भी हो, बुरे रिश्तों का हो, या किसी को बर्बाद करने का बंधन क्यों ना हो, ऐसी तमाम परिस्थितियों से इंसान होकर गुजर रहा है। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, एफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 5 पद संख्या 25 और 26 में ये कहता है कि मसीह ने कलीसिया के लिए अपने आप को अर्पित कर दिया है। किसके लिए अर्पित किया है? कलीसिया के लिए अर्पित किया है, जिससे कि वह उसे पवित्र कर सके, जिससे कि वह उसे पवित्र कर सके। आप लोग इसलिए वेदी के सामने बैठे हैं, इसलिए प्रभु ने आपको बुलाया ताकि आपको वह शुद्ध कर सके, आपको प्यूरिफाई कर सके। आप जो ऑनलाइन इस वक्त अपने घरों से इस वचन को सुन रहे हैं, ये आप इसलिए सुन रहे हैं ताकि वचन सुन के आप शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं, अपने मार्गों से विमुख होकर ईश्वर के मार्गों पर चलने वाले बन सकें। कहता है, इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया को
बुलाया है। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। अफेसियों का पत्र अध्याय पांच पद संख्या 25 मसीह ने कलीसिया के लिए अपने आप को अर्पित कर दिया जिससे कि वह उसे पवित्र कर सके और वचन तथा जल के स्नान के द्वारा शुद्ध करे। हालेलुया। तो ये बात परमेश्वर ने पहले से ही निश्चित की थी प्यारे भाइयों और बहनों, कि जिन्हें उसने पहले चुना, जिन्हें उसने पहले समझा, वह उसके पुत्र के रूप में बनाए जाएंगे, जिससे कि उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलोठा हो। और यह पवित्रीकरण, शुद्धिकरण एक दिन में नहीं होता, यह लगातार चलने वाला प्रोसेस है। आप में से बहुत सारे लोग पिछले 2-2.5 साल से लगातार बैंड फॉर जीसस यूट्यूब चैनल पर परमेश्वर का वचन सुनते आए हैं और सुन रहे हैं, लेकिन शुद्धिकरण का प्रोसेस, पवित्रीकरण का प्रोसेस ये अभी भी चल रहा है, ये अभी भी चल रहा है। जब प्रभु यीशु के चेले उनके साथ 3 साल की सेवकाई में उनके साथ थे, और उसके बाद भी अंतिम ब्यालू के बोझ में प्रभु ने कहा कि तुम में से सब के सब शुद्ध नहीं हो, पवित्र नहीं हो, किसी के मन में कुछ बात है जो मुझे पकड़वाना चाहता है, जो मुझे धोखा देना चाहता है, जो मुझसे बेवफाई करना चाहता है। इसलिए शुद्धिकरण एक प्रोसेस है, पवित्रीकरण एक प्रोसेस है, सैंक्टिफिकेशन इज ए प्रोसेस। परिवारों का पवित्रीकरण, नवयुवक युवतियों का पवित्रीकरण ये एक प्रोसेस है जिससे कि हमको गुजरने की आवश्यकता है, और इस प्रक्रिया में हमें बहुत सारे कामों को करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए बंदगी में रहना, उपवास में रहना, प्रार्थना करना, सत्य बोलना, सहनशील बनना, प्रेम से परिपूर्ण होना, और जैसे प्रभु ने किया वैसे करने की कोशिश करना, इन रास्तों से होके चलना पड़ेगा, तभी मैं और आप पवित्रीकरण कर पाएंगे, तभी मैं और आप सैंक्टिफाई हो पाएंगे। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ये कहता है कि वचन के द्वारा लगातार ईश्वर हमें तैयार करता है। वचन के द्वारा ईश्वर अपनी कलीसिया को, अपने चुने हुए लोगों को क्या करता है, लगातार शुद्ध करता है, लगातार उन्हें तैयार करता है। वचन जो आत्मा की शिक्षा है, आत्मा की तलवार है, उसके द्वारा लोगों को ज्ञान जब मिलता है तो वो सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, और फिर वो भ्रामक शिक्षा में नहीं पड़ते, वो ऐरे गहरे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करते। आत्मा की परख का ज्ञान परमेश्वर उन्हें देता है, और वो तब सच्चे ईश्वर की आराधना करते हैं, और इस तरह से उनका व्यक्तिगत एवं पारिवारिक और सामाजिक पवित्रीकरण होने लगता है। बोलिए आमेन, आमेन। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 3 पद संख्या 18 में यह लिखता है, जब कोई प्रभु की ओर अभिमुख हो जाता है तो वह पर्दा हटा दिया जाता है। जब कोई संपूर्ण रूप से प्रभु की ओर मुड़ जाता है, उसकी ओर झुक जाता है, उसका सर्वस्व उसे समर्पित कर देता है, तब उसकी आंखों के सामने से वो पर्दा हटा दिया जाता है। क्योंकि प्रभु तो आत्मा है, और जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, और हमारे मुख पर अब पर्दा नहीं, हम सब दर्पण की तरह प्रभु की महिमा प्रतिबिंबित करते हैं। बोलिए आमेन, आमेन। हालेलुया। संत पौलुस लिखता है कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 18। जब कोई प्रभु की ओर अभिमुख हो जाता है तो वह पर्दा हटा दिया जाता है क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहां प्रभु का आत्मा है
प्रभु का आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ स्वतंत्रता है। हमारे मुख पर अब पर्दा नहीं रहा, अब पर्दा नहीं रहा। हम सब दर्पण की तरह प्रभु की महिमा प्रतिबिंबित करते हैं। हालेलुया। तो जब तक मैं और आप मसीह को नहीं जानते थे, तब तक हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था। लेकिन एक बार प्रभु के ज्ञान में आने के बाद, प्रभु को अनुभव करने के बाद, अब वो पर्दा हट गया है। अब आप और मैं बपतिस्मा संस्कार और अन्य संस्कारों के द्वारा उस अनुग्रह को पा चुके हैं। आत्मा और जल का स्नान हमें दिया गया और हम शुद्ध हो गए, और परमेश्वर का रूप जो है वो मसीहों के चेहरे से, मसीहों के और विश्वासियों के चेहरों से क्या होता, प्रतिबिंबित होता है। अगर कोई सच्चा आराधक है, अगर कोई आत्मा में प्रार्थना करता और उसकी अगुवाई में जीता है, तो उसके चेहरे से पिता ईश्वर का नूर प्रतिबिंबित होता है और वो आंखों से पर्दा आपके हटा दिया गया है। आपकी आंखों से वो पर्दा, प्यारे भाइयों और बहनों, हट गया है, क्योंकि परमेश्वर ने आप लोगों को अब पवित्र कर दिया है। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि आप पवित्र हो जाएं, शैतान नहीं चाहता कि आप ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाएं। इसलिए वो बार बार आकर घरों में घुसता, छेड़खानी करता, झगड़े लगाता, मन को विकृत करता, सोच को विकृत करता है और लोगों में तनाव पैदा करता है, और इस तरह से लोगों का जीवन नष्ट करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि वो झूठ का पिता है, इसलिए वो झूठ बोलता है। बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य तो बाहर देखता, परंतु प्रभु हृदय देखता है, सामुएल के पहले ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 7 में। इसलिए अगर हमें शुद्धिकरण करना है तो बाहर से नहा धो के नहीं, परंतु आंतरिक मन को शुद्ध करना, अपने अंतरतम के विचारों को शुद्ध करना। Everyone needs to correct their conscience and clean their thought and mind। हर व्यक्ति को अपने विचारों को शुद्ध करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके विचारों को देखता है, अंतर मन को देखता है। इंसान तो बाहरी रंग रूप देखता है, इसलिए जब वो शादी करता है तो हर चीज बाहरी रूप से देखने की कोशिश करता है। और जो इंसान बाहरी रूप देखकर शादी करता या अपने लिए कोई ऐसा काम करता है, प्यारे भाइयों और बहनों, वो जल्दी ही वहां पर अलगाव पैदा हो जाता है। एक सुंदर कहावत है, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती, हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। इसलिए झूठे लोगों के और भ्रामक शिक्षाओं के अधीन ना रहें, अनुग्रह के सिंहासन के पास आए और प्रभु आपको अपनी महिमा दिखाएगा, अपना अनुग्रह आप लोगों पर प्रकट करेगा। सो अंधकार का सरदार शैतान, प्यारे भाइयों और बहनों, जो अपने आप को इस दुनिया का नायक कहता है, जो इस भ्रम में है कि वो इस संसार का नायक है और राज्य करता है, और अपने आप को उजियाले का दूत कहता है और स्वर्गदूत होने का स्वांग रचता है, वो रूप बदलता है, रूप बदलता है और लोगों के जीवन में प्रवेश करता है। इसलिए सावधान रहना, सावधान रहना, क्योंकि प्रभु यीशु ने सिमोन से कहा, सिमोन सिमोन सावधान, शैतान को तुम्हें गेहूं की तरह फटकने का, ओसाने का अधिकार मिला, अनुमति मिली है, लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, और जब तू सुधर जाएगा, जब तू सही रास्ते पर आ जाएगा, अब तू अपने भाइयों की देखभाल करना। अभी तक तू तैयार नहीं है, अभी तक तेरा विश्वास मजबूत नहीं है, अभी तक तुझे कोई भी बहकाएगा तो बहक जाएगा, अभी तक तू झूठ बोल सकता है, अभी तू मुझे इनकार कर सकता है, लेकिन जब तू सही रास्ते पर आ जाएगा, तब तू अपने भाइयों की देखभाल करना, तब तू जाकर प्रचार करना, तब जाकर लोगों की अगुवाई करना,
तब जाकर मेरा वचन लोगों को सुनाना, तब तू जाना और बोलना। सबसे पहले तू शैतान से लड़ना सीख, विश्वास में दृढ़ हो जाना सीख ले। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम देखते हैं कि किस तरह से शैतान स्त्री पुरुष बच्चों को, नवयुवक युवतियों को धोखा देता, उन्हें ठोकरें खिलाता, उन्हें पाप में गिरा देता और अपनी ही नजरों में उन्हें क्या कर देता है, गिरा देता है। इसलिए कई लोग आत्मग्लानी से भरे हुए हैं, कई लोग अपराध बोध में जीवन जीते हैं, कई लोग अपने पिछले अतीत को भूल नहीं पाते हैं। किसी ने दुख दिया, कष्ट दिया या किसी के द्वारा सताए गए तो वो भूल नहीं पाते हैं, और खुद से अगर कोई पाप हो गया तो उस पाप से बाहर निकल नहीं पाते। लेकिन प्रभु का वचन ये कहता है, पिछली बातों को भुलाओ, पिछली बातों को भुलाओ। देखो, मैं एक नया काम तुम्हारे जीवन में शुरू करने जा रहा हूँ और अब वो प्रारंभ हो चुका है, अब वो प्रारंभ हो चुका है। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं, फादर नहीं भूलता, हम कैसे भुलाएं। बहुत कोशिश करते हैं भुलाने की, लेकिन हमारे मन में से वो बात नहीं जाती और बंधनों में रहते हैं, बंधनों में रहते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि हमारे अंतःकरण से बड़ा हमारा परमेश्वर है और आपके हृदय की बात को जानता है। वो आपको सांत्वना देना चाहता और आपके कल्याण के विषय में सोचता है और आपको आनंदित करना चाहता है। इसलिए आप उसका सहयोग करें, क्योंकि ईश्वर आत्मा है। जैसा ही मैंने आपके लिए वचन पढ़ा कि ईश्वर तो आत्मा है, कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 3 पद संख्या 18 में, कि प्रभु तो आत्मा है और जहां आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। इसलिए प्रभु ये कहता है, कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 11 पद संख्या 13 से 14 में, कि झूठे प्रचारक और कपटपूर्ण कार्यकर्ता जो मसीह के संदेश वाहकों का स्वांग रचते हैं, ये आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि स्वयं शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का स्वांग रचता है। इसलिए सावधान रहना, इसलिए सावधान रहना कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि झूठे प्रचारक और कपटपूर्ण कार्यकर्ता जो मसीह का संदेश वाहक बनकर जाते हैं वो क्या करते हैं, उनका स्वांग रचते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि शैतान जो झूठ का पिता है, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का स्वांग रचता है। ये मनों को खोखला कर देता है, मन की दृष्टि से अंधा बना देता है। इसलिए इंसान को कुछ समझ नहीं आता है, उसका मन घूम जाता है, विचार घूम जाते हैं, कुछ पता नहीं लगता कहाँ जाएं। लेकिन अंत में घूम फिर के जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है, लुट जाता है, तब प्रभु की ओर दौड़ने के लिए आता है, तब प्रभु की ओर अभिमुख होता है। आप में से कितने लोग इस तरह सताए जा चुके हैं, आप में से कितने लोगों को धनी बनने का सपना वो दिखा चुका है, आप में से कितने लोगों को शॉर्ट टाइम में बहुत बड़ी चीज आपको हासिल हो जाएगी ऐसे विचार आपके मन में ला चुका है, और कितने ही लोगों का पैसा ऐसे ही बर्बाद कर चुका है। प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि वो चाहता है कि हम प्रभु की महिमा से और प्रेम से क्या हो जाएं, वंचित हो जाएं, क्योंकि वो ईश्वर की महिमा नहीं देख सकता, वो ईश्वर की प्रशंसा सुन नहीं सकता। इसलिए वो इंसानों को क्या करता है, टारगेट करता है, आपको और चुने हुए लोगों को टारगेट करता है और बर्बाद करने के लिए सोचता है। इसलिए अपना मन और अपना हृदय परमेश्वर को देना, इसे शैतान का कारखाना बनने मत दीजिए। प्रिय विश्वासियों, प्रियजनों, प्रभु के चुने हुए दास दासियों, चुने हुए अभिषिक्तों, अपने आप को समर्पित करें, अपने हृदय को शैतान का कारखाना ना बनने दें, बल्कि परमेश्वर की जगह, परमेश्वर का मंदिर बनने के लिए इसे समर्पित करें। परमेश्वर का मंदिर बनने के लिए इसे समर्पित कीजिए, क्योंकि हर मनुष्य जो अंधकार में है पाप करता है और वो अविश्वासी है, परमेश्वर के सामने अंधे एवं मृतक के समान है, और ऐसे लोगों को शैतान अपने राज्य में शामिल करना चाहता है और ले जाता है। प्रभु यीशु ने मेरे और आपके लिए अपना प्राण न्योछावर किया,
वो नहीं चाहता था कि शैतान हम पर राज्य करे, इसलिए उसने अपना सर्वस्व निछावर किया और मुझे और आपको अपनी कीमत, लहू की कीमत देकर उसने खरीदा, क्योंकि वो जानता था कि अगर मनुष्य अंधकार में रहेगा तो पाप में जीवन बिताएगा और अविश्वासी बना रहेगा, तो परमेश्वर आपको अंधकार से निकालकर ज्योति के प्रकाश में लेकर आया है। इसलिए संत पौलुस कहता है अफेसियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 12 में कि आपका आचरण संसार की रीति के अनुकूल आकाश में विचरने वाले अपदूतों के नायक के अनुकूल था, उस आत्मा के अनुकूल जो अब तक ईश्वर के विरोधियों में क्रियाशील है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपके साथ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ, वचन के अनुसार जीवन बिताना चाहता हूँ, जीवन बिताना चाहता हूँ, मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, जय जयकार करता हूँ, जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो संत पौलुस क्या लिखता है, आपका आचरण संसार की रीति के अनुकूल आकाश में विचरने वाले अपदूतों के नायक के अनुकूल था। जब तक आप मसीह को नहीं जानते थे, जब तक उसने आपको उद्धार नहीं दे दिया, मुक्ति नहीं दे दी और वो सलीब पर नहीं चढ़ गया, तब तक आपका आचरण जो था वो शैतान और आकाश में विचरने वाले अपदूतों के नायक के अनुकूल था, उस आत्मा के अनुकूल था जो अब तक ईश्वर के विरोधियों में क्रियाशील है, जो ईश्वर के वचन का विरोध करते हैं उनमें क्रियाशील था, काम करता था, लेकिन मसीह ने उसको हराया। और प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है योहन के पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 में कि यीशु जो परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि इस शैतान को वो क्या करे, सर्वनाश करे और उसके कामों को समाप्त करे। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आपने, कि आपने अपना जीवन देकर, अपना जीवन देकर शैतान को हरा दिया है, शैतान को हरा दिया है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में शैतानी ताकतों का, शैतानी ताकतों का, बुराई की आत्मा का, बुराई की आत्मा कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो देयरफॉर आप लोग, प्रभु का वचन ये कहता है, परमेश्वर के अधीन रहें, शैतान के अधीन ना रहें, संसार के अधीन ना रहें, संसार की रीतियों के अधीन ना रहें, संसार के लोगों के अधीन ना रहें। कोई भी आपके घर में आता है बाबा फकीर और आपको चार अच्छी बातें सुनाता है और अनेक प्रकार के वाम करने के लिए बोलता है, उसके अधीन मत हो जाना, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे, लुट जाएंगे। भ्रामक शिक्षा के अधीन मत रहना। मैं आपसे कल भी कहा था और आज फिर से कहता हूं कि इसके अधीन रहना ये आपका जीवन बदल देगी, आपका परिवार बदल देगी, आपके विचारों को बदल देगी और आपके जीवन में शांति आएगी। देखिए, पैसा आने से शांति नहीं आती है, ईश्वर का अनुग्रह आने से शांति आती है। बहुत सारे लोगों के पास धन है, पैसा है, लेकिन शांति नहीं है, क्योंकि वो लोग ईश्वर के अधीन नहीं है, कलाम के अधीन नहीं है, प्रभु के वचन के अधीन नहीं है, प्रभु के वचन की शिक्षा के अधीन नहीं रहते, इसलिए वो दुखी रहते हैं, मन बेचैन रहता है। इधर से आता है धन, इधर चला जाता है, चोर चुराता, छेद वाली थैली में डालता, मजदूर मेहनत करता है और छेद वाली थैली में डालता, पता नहीं रहता है उसे कि कैसे बचेगा, कहां से आया, कहां गया। अगर आप अनुग्रह चाहते हैं तो परमेश्वर के अधीन रहें, अनुग्रह चाहते हैं तो परमेश्वर के अधीन रहें। और बाइबल कहती है कि प्रभु ने कहा कि शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से तुरंत क्या करेगा, भाग जाएगा। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग उसका सामना करने से डरते हैं, क्यों, क्योंकि उसके कार्यों को छोड़ना असंभव सा लगता है आप लोगों को। और जब हम उसके कामों को करते हैं तो वो हमारे ऊपर अधिकार लेता है। इसलिए बाइबल कहती है, याकूब का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 7 से 10 में हम पढ़ते हैं कि आप लोग ईश्वर के अधीन रहें, अपनी दुर्गति पहचान कर शोक मनाएं और आंसू बहाएं,
बहुत सारे लोगों की दशा बहुत खराब है, उनकी दुर्गति हो चुकी है, शैतान ने उन्हें दर दर भटका दिया है, भीख मांगने तक मजबूर कर दिया है, और ऐसे अनेक कामों के द्वारा उनके जीवन में उलझने पैदा की हैं कि जिंदगी भर आंसू बहाते हुए गुजरे हैं। अब वचन कहता है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने ही कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, क्योंकि शैतान ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया था, शैतान ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया था। तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि अपनी दुर्गति पहचानो, शोक मनाओ, आंसू बहाओ, आपकी हंसी शोक में और आपका आनंद विषाद में बदल जाए, प्रभु के सामने दीनहीन बनो और वह आपको ऊंचा उठाएगा। बोलिए आमेन। आमेन। ऊंचा उठना चाहते हैं, अनुग्रह में जीना चाहते हैं, धनी बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, परमेश्वर की शांति में रहना चाहते हैं, शांति की नींद सोना चाहते हैं, अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं, तो प्रभु कहता है दीनहीन बनकर आंसू बहाओ, परमेश्वर के सामने दुहाई दो और वो आपको ऊंचा उठाएगा और आपका जीवन बदल देगा। बोलिए आमेन। आमेन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराइए। याकूब का पत्र, याकूब का पत्र अध्याय चार, अध्याय चार पद संख्या सात से दस, पद संख्या सात से दस पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, आप लोग ईश्वर के अधीन रहें, ईश्वर के अधीन रहें, अपनी दुर्गति पहचान कर, अपनी दुर्गति पहचान कर, शोक मनाएं, शोक मनाएं, आंसू बहाएं, आंसू बहाएं, आपकी हंसी शोक में, शोक में, और आपका आनंद, और आपका आनंद विषाद में बदल जाए, विषाद में बदल जाए, प्रभु के सामने, प्रभु के सामने दीनहीन बनो, दीनहीन बनो, और वह आपको, और वह आपको ऊंचा उठाएगा, ऊंचा उठाएगा। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई ये कहता है कि मुझ में कोई पाप नहीं, तो वह अपने को धोखा देता है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझ में कोई कमी नहीं, हु आर यू टू टेल मी दिस, मैं तो बहुत धार्मिक व्यक्ति हूं, राइचियस व्यक्ति हूं, दान देता हूं, मैंने इतना दान किया, मैंने ये बनवाया वो बनवाया, मैं तो कोई पाप नहीं करता। एक धनी युवक भी ऐसे ही यीशु के पास आया और कहने लगा, गुरुवर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है? संहिता में तो लिखा है चोरी मत करो, झूठी गवाही मत करो, झूठी गवाही मत दो, एक ईश्वर की आराधना करो, प्रभु का दिन पवित्र रखो, हत्या मत करो, चोरी ना करो, पराय धन का लालच ना करो, पराई स्त्री की कामना ना करो। कहता ये तो बचपन से करता आया हूं। तो कहने लगा, तुझ में एक चीज की कमी है, जा अपनी संपत्ति बेच दे और गरीबों में बांट दे और तब आकर मेरा अनुसरण करना। अगर आप पूछेंगे इन दुनिया में दो ताकतें कौन सी हैं, तो जवाब मिलेगा कि ईश्वर और शैतान दो ताकतें हैं, लेकिन बाइबल में बताती है कि ईश्वर और धन ये दो स्वामी ऐसे हैं जिनमें से आप एक की सेवा कर सकते हैं। तो धनी व्यक्ति सारे चीजें कर रहा था, धर्म के काम कर रहा था, सत्य बोलता था, लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों धन की सेवा करता था। इसलिए प्रभु ने उसे कहा, इस धन को बेचो। आज बहुत सारे लोग धनी बनना चाहते हैं, जानते हैं कैसे? पैसे से धनी बनना चाहते हैं। आत्मा में धनी बन जाइए, आत्मिक रूप से धनी बन जाइए, जिससे कि परमेश्वर का प्रतिबिंब, उसका रूप आपके चेहरे पर चमके और आपको लोग देखकर जाने कि आप मसीह के सच्चे अनुयायी हैं, तो वो आप पर अनुग्रह करेगा। अपने मन को शुद्ध कर लें, विचारों को शुद्ध करें, गाली के बदले गाली ना दें, क्रोध के बदले क्रोध ना करें, झगड़ा ना करें, झगड़ालू ना बने, क्योंकि प्रभु के लोगों को झगड़ा या झगड़ालूपन शोभा नहीं देता। प्रभु के लोगों को झगड़ालूपन शोभा नहीं देता। कहता है कि अगर कोई ये कहता है कि मुझ में कोई पाप नहीं, तो वो अपने को धोखा देता है, क्योंकि बाइबल तो ये कहती है, रोमियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 में, कि सबने पाप किया है और सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। इसलिए सबको अपने गुनाहों के लिए माफी मांगनी है। अब छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, धर्मी हो, अधर्मी हो, अच्छा हो, बुरा हो, सबने पाप किया है, कोई भी ईश्वर की महिमा से वंचित नहीं है। इसलिए सभी लोगों को प्रायश्चित करने की आवश्यकता है, सभी लोगों को पवित्र होने की आवश्यकता है, सभी लोगों को पवित्रताई में जीने की आवश्यकता है, अपने व्यक्तिगत जीवन को देखने की आवश्यकता है। आपका व्यक्तिगत जीवन या प्राइवेट लाइफ, जिसे केवल ईश्वर देखता और आप जानते हैं, उसमें शुद्धिकरण की आवश्यकता है।
उसमें पवित्रीकरण की आवश्यकता है। इसलिए कोई ऐसा ना कहे है कि मुझ में कोई पाप नहीं है। आप अपनी दुर्बलताओं को स्वीकार करें, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि बाइबल कहती है यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैंने पाप नहीं किया तो वो झूठ बोलता है। और योहन के पहले पत्र अध्याय 1:8-9, फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 1:8-9, यदि हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया तो हम उसे झूठा सिद्ध करते हैं, उसका सत्य हम में नहीं है। यदि हम अपने पाप और दुर्बलताओं को स्वीकार करते हैं तो वह हमें हर अधर्म से शुद्ध करता है। यदि कोई व्यक्ति स्वीकार करता है कि मैंने पाप किया, गलती की है, मुझसे गलती हो गई है, प्रभु मुझे क्षमा करो, तो वो आपके अधर्म को आपसे दूर करेगा और आपको शुद्ध करेगा। इसलिए बाइबल कहती है अध्याय 1:7, संत योहन का पहला पत्र अध्याय 1:7, यदि हम ज्योति में चलते हैं तो जिस तरह परमेश्वर ज्योति है उस तरह मैं और आप भी क्या बन जाते हैं, ज्योति बन जाते हैं, ज्योति की संतान हम कहलाने लगते हैं। इसलिए आज हम प्रार्थना करेंगे, आज का संदेश आप लोगों के लिए प्रभु ने यही दिया है कि आप लोग बुलाए गए हैं, आप लोग बुलाए गए हैं। क्यों बुलाए गए हैं? ताकि आप लोगों को परमेश्वर शुद्ध करें। इसलिए अपने आंतरिक मन को साफ करें, विचारों को साफ करें। तीसरी बात, आप लोग ईश्वर के अधीन हो जाएं। चौथी बात, झूठे प्रचारकों, भ्रामक शिक्षा से सावधान रहें और शैतान का डटकर सामना करें और वो आपके सामने से भाग जाएगा। अपने बुरे कामों को परमेश्वर के सामने स्वीकार करें और प्रायश्चित करें और वो आपको ऊंचा उठाएगा और आपका जीवन बदल देगा। आइए हम इस वक्त प्रार्थना करें, जो कलाम आपने सुना है उसके द्वारा सब प्रकार का बंधन टूटे। परमेश्वर बच्चों को, युवक युवतियों को, माता पिता को, बुजुर्गों को आशीष और चंगाई प्रदान करें।